गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर फोर क्रिएटिंग हार्मनी। हम चैप्टर फोर को रीड कर रहे थे, इसमें क्रिएटिंग हार्मनी के बारे में रीड कर रहे थे, आपसी सद्भाव के बारे में। तो देखिए आज हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पीस नंबर 49 एंड लेट्स ट्राई सेकंड। फर्स्ट लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस ऑफ द नेशनल फ्लैग्स। फिगर टू, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज दे बिलोंग टू गो इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब देखिए आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दी गई है और वो किसकी है, नेशनल फ्लैग्स की है। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्रीज से बिलोंग करती है। तो फर्स्ट वाला बताया गया, तो देखिए हमारे ये हमारा फ्लैग है ना, नेशनल फ्लैग यानी इंडिया का है, हमारे देश का है। नेक्स्ट आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, यूएसए का है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है पाकिस्तान का और अगला जो है वो श्रीलंका का है। तो आपको ये पता चल गया ये किसकी इमेजेस बनी हुई है, ये मतलब कंट्रीज के जो नेशनल फ्लैग्स होते हैं उनकी बनी हुई है। सेकंड, नाउ लुक एट द फ्लैग गिवन फिगर थ्री केयरफुली विद इन पेयर, डिस्कस एंड गिवन क्वेश्चंस एंड शेयर द आंसर विद द क्लास। अब देखिए आपके यहाँ पे आपको आकृति दिखाई दे रही है सभी को, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सीन इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग शोन। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटर बना हुआ है, ये बीच का जो पार्ट बना हुआ है उसमें क्या शो हो रहा है, उस फ्लैग के अंदर ये फ्लैग का है ये चित्र, तो उसमें क्या शो हो रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, ए वर्ड मैप। आपको पता ना हमारा वर्ड मैप इसी तरह का है, है ना, तो वर्ड मैप शो हो रहा है। कैन बी सीन इन द फ्लैग शोन इन फिगर थ्री। अब देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख के यहाँ पे दिखाया है क्योंकि ताकि आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो इसमें एक वर्ड मैप को शो किया गया है और आप देख सकते हैं वर्ड मैप ही तो दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से। तो वर्ड मैप कैन बी सीन इन द फ्लैग शोन इन फिगर थ्री, इस फिगर थ्री में हमारा क्या शो किया गया, मैप को। सेकेंड, हाउ इज द सिम्बॉल ऑन द फ्लैग शोन इन फिगर थ्री डिफरेंट फ्रॉम द सिम्बल्स ऑन द अदर कंट्री ऑन अदर नेशनल फ्लैग इन फिगर टू। अब देखिए कैसे सिम्बल बनाए गए हैं जो फ्लैग के बताए गए हैं, इसमें थ्री में अलग अलग सिम्बल्स हैं हमारे, तो अदर नेशनल फ्लैग्स के जो फिगर टू दिया था अभी हमने स्टडी किया ना, ये इन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका, पाकिस्तान, ये तो कैसे ये भी अलग, मतलब इसमें भी डिफरेंट भिन्न बताए गए हैं, तो आंसर क्या होगा, अदर फ्लैग्स शो सिम्बल्स यानी सिम्बल्स को शो करते हैं, लाइक स्टार्स, मून, व्हील और लॉइन। आज जैसे अन्य झंडे होते हैं ना वो तो क्या दिखाते हैं हमें, जैसे देखो स्टार्स भी बताया गया है, मून्स भी बताए हैं, व्हील्स के बारे में बताया है या तो या लॉइन के बारे में, विच हैव नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसे संसार के बारे में कुछ चीज़ें नहीं बताई गई, इसमें ओनली क्या बताया गया है, उनके सिंबल्स बताए गए हैं जो उस टाइप में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि डिफरेंट क्यों है अदर नेशनल फ्लैग से। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस फ्लैग्स स्टैंड्स फॉर ए यूनाइटेड एंड पीसफुल वर्ल्ड, हाउ डू यू नो दैट। देखिए विच वन ऑफ दिस फ्लैग्स, अब इनमें से जो ये फ्लैग है ये एक यूनाइटेड एंड पीसफुल वर्ल्ड का के रूप में खड़ा है, यहाँ पे बताया गया है। हाउ डू यू नो डैट, आप इसके बारे में कैसे जानते हैं या क्या जानते हैं। द फ्लैग शोन इन फिगर थ्री स्टैंड फॉर ए यूनाइटेड एंड पीसफुल वर्ल्ड एज वर्ल्ड मैप कैन बी सीन इन इट। एक फ्लैग जो दिखाया गया है ना इसमें, ये किस रूप में बताया गया, एक यूनाइटेड और पीसफुल वर्ल्ड के रूप में, ये वर्ल्ड मैप का इसमें नक्शा दिखाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे देश को ये क्या करना, पूरे संसार को यूनाइट करना चाहते हैं। कैन बी सीन इन इट, इसमें देख सकते हैं। आल्सो इट इज़ सराउंडेड बाय ओलिव ब्रांचेस विच स्टैंड्स ऑफ पीस, और इसके जो बाहर आप चारों तरफ देख रहे हैं ना कि ये घिरी हुई है, ये ओलिव ब्रांच से घिरी हुई है, जो क्या दिखाती है, किसके रूप में प्रतीत होती है, शांति के रूप में। फोर नंबर का क्या है, टू विच कंट्री डज द फ्लैग शोन इन फिगर थ्री बिलोंग, अब कौन सा जो देश है मतलब इसमें शो किया गया है, मतलब कौन से देश का फ्लैग शो किया गया है इसके अंदर, तो द फ्लैग इज नॉट ऑफ एनी कंट्री, इसमें किसी देश का फ्लैग को शो नहीं किया गया है,
बट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ के बारे में बताया गया है। ओके क्लियर, तो इसमें कोई फ्लैग का नहीं, ये फ्लैग जो बताया गया अपन कह रहे हैं ना फ्लैग है, तो कौन से कंट्री का है, नहीं किसी कंट्री का नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, उसका बताया गया। ओके नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट बर्थ ऑफ द यूएन। अब देखिए यूएनए का जन्म कैसे हुआ, द फ्लैग शोन इन फिगर 3 बिलोंग्स टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। ये फ्लैग जो झंडा जो बताया गया था ये किससे संबंधित है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो राष्ट्रीय मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो है हमारे, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ दैट द यूएन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस ब्रॉट टुगेदर टू एनक्रेज पीस एंड कोऑपरेशन अमंग नेशन। और ये स्पष्ट है कि जो नाम था ये अपने आप में एक नाम है कि यूएनए एक संगठन है इंडिपेंडेंट नेशन का, जो स्वतंत्र है देश राष्ट्र उनके बारे में, ब्रॉड टुगेदर जो उनको पास में लेके आया एनक्रेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, किसके लिए, शांति एंड सहयोग की भावना के लिए। भाई राष्ट्रों के बीच में कैसी भावना होनी चाहिए, शांति और सहयोग की। द लोगो ऑफ द वर्ल्ड मैप ऑन, और इसका जो लोगो है वो क्या है, इसका वर्ल्ड मैप ऑन इट्स फ्लैग रेस्पेक्ट ऑल द रिप्रेजेंट ऑल द पीपल एंड द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसका जो फ्लैग है वो रिप्रेजेंट्स करता है, मतलब लोगो ऑफ द वर्ल्ड मैप ऑन द इट्स फ्लैग, इसका जो लोगो है वर्ल्ड मैप का ही इसका फ्लैग पे बना हुआ है, वो रिप्रेजेंट करता है, वो प्रदर्शित करता है ऑल द पीपल सभी लोगों को एंड द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और संसार के सभी देशों को। द ओलिव ब्रांचेस अराउंड द वर्ल्ड मैप आर ए सिंबल ऑफ पीस। और जो ओलिव ब्रांचेस उसके चारों तरफ लगी हुई ना वर्ल्ड मैप के, इनके बाहर आपने देखा पिक्चर में, तो ये सिंबल ऑफ पीस है, ये किसका प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है। व्हाइट एंड ब्लू आर द ऑफिशियल कलर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और सफ़ेद और जो नीले कलर हैं वो ऑफिशियल कलर होते हैं, है ना, वो यूनाइटेड नेशन के। ओके डू यू नो हाउ द यूएनओ बिगन, आप जानते हो कैसे उसकी शुरुआत हुई, इन द 20th century द टू वर्ल्ड वार्स हैड सीरियस इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब दूसरा वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसने पूरे संसार में एक मतलब सीरियस इफेक्ट डाला, बहुत गहरा प्रभाव डाला। इन वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914-1918 एंड द वर्ल्ड वार सेकेंड 1939-1945 मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉस्ट देयर लाइव्स। इसमें कम से कम लाखों में जो लोग थे ना उन सब ने संसार में क्या कर दिया था, अपनी जिंदगी को खो दिया था। वर्ल्ड वार सेकेंड वाज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द टू, जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था वह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था इनमें। इट लास्टेड फॉर 6 years एंड एंडेड विद द ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। और ये इसका जो लास्टेड फॉर 6 years, ये 6 सालों तक मतलब अंत में रहा, और एंडेड विद द ड्रॉपिंग, और इसकी जब समाप्ति हुई थी तो किस रूप में हुई थी, इन्होंने एटम बम को डाल दिया था, किस पे डाला था, हिरोशिमा एंड नागासाकी जो जापान के जो देश राज्य थे उन पे डाला था। मोर देन 1 lakh पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन इस सिटी। अब इसमें 1 lakh से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी थी प्रत्येक शहर में से। मैनी बिकम होमलेस एज देयर हाउसेज वर डिस्ट्रॉय। बहुत सारे लोग तो बेचारे बेघर हो गए थे, है ना, उनके घर नष्ट हो गए थे, तो बेघर ही होना था, तो डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, उनके घर नष्ट हो गए थे। पीपल बिकेम जॉबलेस एंड पुअर एज देयर वर नो ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज लेफ्ट। लोग वहाँ क्या हो गए थे, बेरोजगार भी हो गए थे, हैं, जॉब नहीं होगा तो बेरोजगारी होगी ना, तो जॉबलेस हो चुके थे और गरीब भी हो गए थे, क्योंकि कोई ऑफिस भी नहीं था, फैक्ट्रीज भी नहीं खोली थी, तो सब बर्बाद हो गया था, तो ख़त्म होने की वजह से। द क्रॉप्स इन द फील्ड्स एंड स्टोर हाउस वर आल्सो डिस्ट्रॉय। जो क्रॉप्स थे वहाँ पे फील्ड पे और स्टोर हाउस जो बने हुए थे वे सब नष्ट हो गए थे।
भाई हम मंडी गोदाम ये बनाते ना भोजन को रखने के लिए, वो सब नष्ट हो गए थे। रेलवेज रोड्स रेलवेज एंड सिटीज हैड टू बी बिल्ड अगेन आफ्टर द वार वाज ओवर। सड़क रेलवे और शहर जो थे वो मतलब वो भी नष्ट हो गए थे आफ्टर द वार वाज ओवर, ख़त्म होने के बाद तक, मतलब ओवर हुई जब तक सब होते उनका दोबारा फिर निर्माण किया गया था। डिड यू नो टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड इन 1919 आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट। देखिए शांत संसार में शांति को बनाए रखने के लिए एक लीग ऑफ नेशन का एक निर्माण किया गया 1919 में आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, किस में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। द लीग फेल टू, यानी एक लीग बनाई गई, एक सभा बनाई गई जो फेल हो गई मेंटेन पीस एज द वर्ल्ड वार सेकंड ब्रोक आउट इन 1939, जो कि असफल रही शांति को स्थापित करने में। तो जब इस सेकेंड विश्व युद्ध हुआ जो 1939 में हुआ था, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड। अब देखिए टूवर्ड्स की जब सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो रही थी तो कंट्रीज फेल्ट दैट देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन टू कीप पीस इन द वर्ल्ड। उन्होंने क्या महसूस किया कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए संसार में जो क्या कर सके, शांति रख सके। दिस थॉट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और यही सोच जो थी उसने लोगों को मतलब उसका नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया, फॉर्मेशन किया, निर्माण किया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का। ऑन 24 अक्टूबर 1945 में 51 कंट्रीज बिकेम द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूएनओ। 51 मेंबर्स जब इसकी स्थापना हुई ना तो वो स्थापना वाले सदस्य बन गए। इंडिया वाज वन अमंग देम, और इंडिया भी उनमें से एक था। टुडे द यूएन हैज 193 मेंबर कंट्रीज। अब आज यूएनए में कितने हैं, 193 मेंबर्स हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन इज इन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। हेडक्वार्टर जो है यूएनए का वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में है यूएसए के अंदर। और आप पिक्चर में देख पा रहे हो तो ये यूएनए का हेडक्वार्टर है। ओके नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए जितना हमने रीड किया उसी के से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप जल्द जल्द इसका आंसर दे सकते हैं। द यूएन वाज फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। यूएनए का जो गठन हुआ था वो कब किया गया था, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद में। ओके द वर्ल्ड वार सेकेंड एंडेड विद द ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम्स ऑन। अब सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसकी समाप्ति हुई थी एटम बम को गिरा के, तो वो कहाँ गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। और ये किसके थे, जापान के देश कहलाते थे, राज्य कहलाते थे। द मेन एम ऑफ द यू एन इज टू कीप, और मुख्य उद्देश्य क्या था यूएनए को स्थापित करने का, रखने का, वर्ल्ड पीस यानी संसार में शांति स्थापित करना। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन इज इन न्यूयॉर्क सिटी, और हेडक्वार्टर है जो यूएनए का वो कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क के अंदर। सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, मतलब क्या यूएनए क्या है। The UNA is an organization of independent nations and that maintain peace and cooperation among nations. UNA एक संस्था थी, संस्था है जो क्या है, भी है कि जो भी हमारे जो राष्ट्र हैं वो इंडिपेंडेंट है, उनको मेंटेन करने की आवश्यकता, शांति और सहयोग की उनके बीच में क्या भावना होनी चाहिए, शांति और सहयोग की भावना होनी चाहिए। Why was the UNO formed? UNA को क्यों formed किया गया। The UNO was formed to keep peace in the world. UNO की मतलब क्या हुआ, एक मतलब जो formed peace को संसार में शांति को स्थापित करने के लिए इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। ओके ओके स्टूडेंट, तो हम यहीं तक रीड करेंगे। अब देखिए लेट्स ट्राई थर्ड का जो है वो आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। ओके तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये अपनी नोटबुक में भी करना है, क्योंकि ये फॉलोइंग द क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रूर आपके पेपर होंगे उसमें आएंगे,
तो आपको अपनी नोटबुक में करके रखना है. ओके, तो इनको बराबर रीड करते रहना है. ओके एंड थैंक यू.